दूसरा पी है पॉजिटिव एनर्जी। और हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक? हम अभी तक कैरेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो डायमंड का असली मूल्य निर्धारित करती हैं वो दो चीजें, एक उसका जुनून, एक उसका पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव बातें करने का, पॉजिटिव एनर्जी, सारी चीजों को अभी मैं समझाता हूं आपको। सफलता आपकी जिंदगी में सिर्फ दो बार आती है, एक बार आपके दिमाग में, एक बार वास्तविक जीवन में। पकड़ना कौन सी को है मुझे बताओ? वास्तविक जीवन वाली। ये ओंडा सिविक बोलते थे योगेश यादव जी, ये 5 साल आगे आके भविष्य में पकड़ सकते थे क्या इसको? कौन सी को पकड़ा इन्होंने? सफलता दो बार आती है, एक बार आपके, एक बार करना क्या है, लेकिन दिमाग में आने से लेके वास्तविक जीवन में आने तक पॉजिटिव रहना है। क्या करना है? दिमाग में आने से लेके वास्तविक जीवन में आने तक टाइम निर्धारित नहीं है, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई आदमी इस बिजनेस में असफल हो जाता है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं एक बात, और हम बोलते भी हैं, हम बोलचाल की भाषा में, कि सर नेगेटिव हो गया वो। कौन कौन बोलते हैं? बोलते हैं ना, सही है बिल्कुल ये बात, क्योंकि पॉजिटिव होता तो लगा रहता ना। क्या हो गया उसको? क्या हो गया? नेगेटिव हो गया सर वो, मतलब पॉजिटिव हुआ था 15 दिन के लिए, और फिर 15 दिन बाद क्या हो गया? नेगेटिव हो गया वो। और सर नेगेटिव हो गया तो फिर अब आप समझते ही हो कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। सफलता आपकी जिंदगी में दो बार आती है, एक बार आपके दिमाग में, एक बार वास्तविक। हो सकता है आज आपके दिमाग में मेरी बातें करने से 2-2.5 घंटा सफलता आए, और आप सोचो कि यार डायमंड तो बन जाऊंगा यार, है ना? और 3 महीने बाद हम देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है आदमी, है ना? क्या चीज हुई इस बीच में? सिर्फ पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं रख पाया। पॉजिटिविटी की परीक्षा कब कब होती है हमारी, मुझे बताइए। इस बिजनेस में मैं इन बातों को सिर्फ अपने बिजनेस से जोड़ के आपको समझाना चाहता हूं। कब कब होती है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कोई जब हमको ना कर देता है तो, पैकेज लेट आता है तो, है चेक नहीं आता है तो, ग्रीनिंग नहीं होती है, डीडी नहीं मिलते हैं, हाथ में से चली जाती है, बाप बुरा बोलता है, मां बुरा बोलती है, और रिश्तेदार बुरा बोलते हैं, दूसरी कंपनी सामने आ जाती है तो उसने कहा तुमसे अच्छा प्लान, तुमसे सस्ता पैकेज, तुमसे बढ़िया बातें, तुमसे बड़ी रॉयल्टी, उसने कहा बर्फ फार्म, बर्फ फार्म है। क्या चला गया, क्या चीज चली गई? एक्चुअली सफलता आपके दिमाग में दो बार आती है, एक बार तब और एक बार वास्तविक। समझ रहे हैं मेरी बात, पकड़ रहे हैं कि नहीं? टाइम ड्यूरेशन निश्चित नहीं है। इस बीच अपने आप को पॉजिटिव रखा, साइन करवा लो मेरे से, वास्तविक जीवन में होके रहेगा, लिख के दे सकता हूं मैं, लिख के। और नहीं पॉजिटिव रह पाए तो दूसरी बात भी लिखवा लो, तेरा कुछ नहीं होगा कालिया। है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं हम? इसके कुछ उपाय बता देता हूं मैं पॉजिटिव रहने के।
निगेटिव दोस्तों के बीच में रहना बंद कर दो, उन सब रिश्तेदारों को छोड़ दो। बोलते हैं कि तू डायमंड बन नहीं पाएगा, जब ये बोल रहा है कि तू डायमंड नहीं बन पाएगा तो फिर काय बात का रिश्तेदार है बता, और हम बोल रहे हैं कि तू डायमंड बनेगा, असली रिश्तेदार कौन है मुझे बता। रिश्तेदार बोल रहा है औकात नहीं है कार खरीदने की, बात नहीं करना दोबारा। हम बोल रहे हैं सचिन जी चिंता नहीं करो किसी बात की, लगे रहो बस, असली रिश्तेदार बताओ मुझे कौन है। उस माहौल को छोड़ दो जो आपको नेगेटिव करता है, उस आदमी को छोड़ दो जो आपको नेगेटिव करता है। काफी सारे लोग फॉलोअप पे जाने के बाद बैठ जाते हैं, बातें सुनते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट मांगी जाती है, कंपनी के बारे में प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, कंपनी के बारे में सब बातें मांगी जाती हैं, और एक एक सुनते रहते हैं बैठ के, और वहीं उसी के फोन से अपलायन को फोन करवाते हैं, सर ऐसे ऐसे बोल रहा है सर। नेगेटिव आदमी है, भाग जा जल्दी, क्योंकि तेरी पॉजिटिविटी मेंटेन रखना तेरी सफलता के लिए तेरी जिम्मेदारी है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। थैंक यू। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लाल कच्छा पहन के सांड के सामने जाना। अब बताओ मुझे लाल कच्छा पहन के सांड के साथ क्या होगा? वो माहौल को छोड़ दो जो आपको गलत बोलता है, वो दोस्तों को छोड़ दो जो आपको गलत बोलते हैं, उन लोगों को छोड़ दो जो आपको उल्टी बातें करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो समाज आपका समाज नहीं है। वो समाज आपको कभी भी तरक्की नहीं करवा पाएगा जो समाज आपको गलत बातें बोल रहा है। हर बढ़िया आदमी जो आपका चहेता होगा वो आप नहीं भी कर सकते होगे तो आपको बोलेगा कि यार चिंता मत कर तू हो जाएगा। पॉजिटिव लोगों को पहचानने की काबिलियत तो डेवलप करो, सोचो तो सही कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो किसकी जिम्मेदारी है अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करना? आपकी खुद की। एक कहानी सुनाता हूं, सोचिए क्या हो अगर 1 टन पथरीली चट्टान आपकी दोनों टांगों पर गिर जाए। डॉक्टर आपकी जान तो बचा ले लेकिन आपकी जांग से लेके दोनों टांगे काट दे। 1 मिनट के लिए सोच के देखो जुनून मर जाएगा कि नहीं, पागलपन खत्म हो जाएगा कि नहीं, रो रो के कटोरा भर दोगे कि नहीं, है रो रो के कटोरा भर दोगे कि नहीं, बीवी को बोलोगे कि देख कितनी लंबी लंबी हुआ करती थी। लेकिन और भगवान को इतना कोसोगे इतनी गाली दोगे कि भगवान बोलेगा यार ये मतलब गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई। यही होगा कि नहीं? लेकिन साहस के साथ एक आदमी ने जो कि पर्वतारोही था, टांग कटने के बावजूद अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी, कनाडा की सबसे बड़ी चोटी और 3 चोटियां जो कि देश विदेश में सबसे बड़ी चोटी मानी जाती हैं, इस आदमी ने जांग से टांग कटने के बाद टॉप फतेह करके दिखाई है। नाम बताऊंगा इस आदमी का, अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है किलिमंजारो, अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है एल कैप्टन और कनाडा बीपिंग वॉल पर चढ़कर इसने फतेह हासिल की है। इस आदमी का जो नाम है, तो क्या हमारे साथ इस तरीके से हो तो क्या इतना जुनून इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्या बच पाएगी हमारी? एक आदमी उल्टी बात कर दे ना फील्ड में, शाम को आदमी अपलाइन को चैन नहीं लगने देता है, एक उल्टी बात करने के बाद, और उसको सबसे बड़ा दुश्मन उस टाइम अपलाइन ही समझ में आता है, क्योंकि उसका तो कुछ कर नहीं सकता जो बोल रहा है, किसका कर सकता है। फिर वो उसकी नींद हराम करने के चक्कर में रहता है, उसने कहा सर बैलेंस शीट मंगा के दो, और तुम क्या बात कर रहे हो, तुम
और तुमने तो बना ली टीम, हम कैसे बिना बैलेंस शीट के बना लें बताओ। है समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पॉजिटिव रह पाओगे? सकारात्मक लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को प्रेरणा देना एक दुनिया की सबसे बड़ी काबिलियत है। क्या है? दूसरे डिमोटिवेट कर रहे हैं और तू डिमोटिवेट हो रहा है, इस पॉइंट पर एक बहुत जरूरी चीज है, तू खुद को प्रेरित कर, पॉजिटिव कमांड दे। लोग बोलेंगे डायमंड नहीं बनेगा, तू बोल डायमंड बन के रहूंगा। लोग बोलेंगे कार नहीं आएगी, तू बोल कार आके रहेगी। लोग बोलेंगे टीम नहीं बनेगी, तू बोल टीम तो बन के रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन तकलीफ क्या है पता है? लोग बोलते हैं कार नहीं आएगी, उसने कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं आएगी। उसने कहा टीम बन नहीं सकती है, तुम सही कह रहे हो साहब, कैसे बनेगी? तुरंत मान जाते हैं ये बात। सकारात्मक ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसके दो स्रोत होते हैं। एक स्रोत कौन सा होता है? बाहरी प्रेरणा। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको? बाहर से इंजेक्शन दे रहा हूं, लेकिन ये बाहरी प्रेरणा जो है वो थोड़े दिन काम देगी। आंतरिक जो प्रेरणा है, खुद को प्रेरित करने वाली जो बात है, जिंदगी भर, लाइफ टाइम, एवर ग्रीन, हमेशा आपके साथ रहने वाली है। क्या अंदर से प्रेरित हो सकते हो? उपाय बता दूं क्या है? जब भी कोई गलत बोले डिलीट डिलीट बोल दो बार। क्या? कार नहीं आएगी, उसने कहा डिलीट डिलीट। क्या बात कर रहे हो? देख के तो बोला करो, छह फुट के आदमी को बोल रहे हो कार नहीं आएगी है? टीम नहीं बनेगी, डिलीट डिलीट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीम ना बने है? बताओ बनेगी कि नहीं? और फिर 10 अच्छी बातें सोचो उस टाइम, 10 अच्छी बातें सोचिए तुरंत जब आपको कोई नेगेटिव दे। कोई बोले कंपनी भाग जाएगी, 10 लाख लोग जुड़ गए, हर हफ्ते पैकेज आ रहे हैं, जयपुर में इतना बड़ा प्लान चल रहा है। और कुछ बोलो, तेरी शादी नहीं होगी, पटना से चक्कर चल रहा है। प्रीति बोलती थी कि तेरी बराबर सुंदर कोई नहीं है, है? घरवाले बोलते हैं तेरी नाक बहुत अच्छी है, और वो स्कूल में बोलती थी तू लंबा बहुत है, बोल रहा है कि डिलीट डिलीट। बताइए आंतरिक प्रेरित कर सकते हो कि नहीं आज के बाद? कोई नेगेटिव कर पाएगा? अरे जिस आदमी ने हमको बैठ के एक मिनट में नेगेटिव कर दिया, मेरा अस्तित्व तो क्या है फिर? मैं वैसे ही बना घूम रहा हूं छह फुट का आदमी है? एक मिनट कंपनी भाग जाएगी। 10 पॉजिटिव बातें तुरंत सोचिए उसी क्षेत्र में, ध्यान रहेगा कि नहीं? एक पत्र पढ़ के बता रहा हूं, 1980 तक मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अच्छा ओरिएंटल फिल्म अभिनेता हो जाऊंगा और 10 मिलियन डॉलर कमा लूंगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा अभिनय करूंगा जो मैं संभवतः कैमरे के सामने हर बार कर सकता हूं, इसके बाद मैं सद्भाव के साथ जीऊंगा। ब्रूसली अपने आप को पत्र लिखा था 1970 में, 80 के लिए बात लिखी थी, 1970 में अपने आप को एक पत्र लिखा था, 1973 में ब्रूसली की डेथ हो गई थी। 3 सालों के अंदर 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति का मालिक था,
ओरिजिनल राइटिंग में लिखा हुआ पत्र लेके आया हूं मैं आपके लिए। हिंदी हिंदी सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आती। साइन हो रहे हैं क्या? आपने आज से पहले अपने आप को क्या कोई ऐसा पत्र लिखा है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा? आप हमेशा कौन सा पत्र लिखते हो पता है? बताऊं राइटिंग में कि मेरी बीवी बोलती है तू जिंदगी में कुछ करेगा नहीं है। पड़ोसी बोलते हैं तेरा जिंदगी में कुछ होना नहीं है, है ना? मां बोल रही है कि तू जब से पैदा हुआ है तब से कुछ हुआ नहीं है, है ना? और अपलायन बोल रहे हैं तेरा कुछ होगा नहीं। ये लिखते हैं सफलता आदमी के अंदर दो बार आती है, एक उसके एक वास्तविक। अगर आप कभी न्यूयॉर्क स्थित हॉलीवुड प्लैनेट जाएंगे तो आप भी ये लेटर देख सकते हैं। लेटर पर तारीख है 9 जनवरी 1970 और ब्रूस ली की मृत्यु हुई थी 1973 में। आपने कितनी बार अपने आप को कोई ऐसा पत्र लिखा है, कितनी बार कोई वादा किया है और उस संकल्प के पीछे जाने के लिए अपने आप को प्रेरित किया है? नहीं किया है अगर आज तक, तो क्या 5 साल के लिए एक पत्र लिख सकते हो कि नहीं? मन चाही दौलत जो 5 साल में और डायमंड कमा चुके हैं कम से कम उतनी लिख सकते हो कि नहीं? 5 साल उस पत्र के पीछे काम किया जा सकता है कि नहीं? और 5 साल जो सबसे बड़ी बात करनी है मेरी बात सुनने के बाद, 5 साल अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो कि नहीं? क्या 5 साल अपने बर्तन जो है पॉजिटिव रहने का, इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? निगेटिव लोगों से दूर हटने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? लाल कच्छा पहन के सांड के पास ना जाने की जिम्मेदारी ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो?